In today's lecture, you will learn about the dielectric and so many definitions regarding the dielectric which we use inside the plates of the capacitor. Okay, so first of all, dielectric is what? Dielectric is basically an insulator. जितने भी dielectrics होते हैं, for example, अगर मैं dielectrics के examples दूँ, then it is mica, clay, paper, ceramic, etc. So all these dielectrics are the insulators. All the insulators are not dielectric. Okay, its converse is not true. All the dielectrics are the insulator. अब कौन से ऐसे dielectrics होते हैं या कौन से ऐसे insulators होते हैं जिनको हम dielectric बोल देते हैं? तो वो ऐसे इंसुलेटर्स हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उनके इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हो सकते हो, यानी माइक्रोमीटर की ऑर्डर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहां से वो डिस्प्लेस हो सके, ऐसे हम इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में डाल देते हैं। और ऐसे इंसुलेटर हमारे लिए यूजफुल है जब हम उन डाइलेक्ट्रिक्स को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड करते हैं। इससे उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एक कांस्टेंट आगे चल के मैं बताऊंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है और इसी को हम के से भी लिखते हैं, इट इज आल्सो द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। तो उस सिचुएशन में हमारे पास में जो डाइलेक्ट्रिक हमने प्लेस्ड किया उसके एप्सिलॉन आर की जो भी वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, उतने टाइम्स उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिव टू एयर एंड वैक्यूम। So that's why we usually use the dielectric between the plates of the capacitor, and so that its capacitance increases and hence it store more charge for a given potential or potential difference. Okay, so बेसिक पर हमारा बेसिक टारगेट क्या होता है कि हम एक ऐसा कैपेसिटर डिजाइन करें जो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हो किसी गिवन वोल्टेज पे। तो उसके लिए हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को यूज लेके भी उसकी कैपेसिटेंस को या चार्ज स्टोर को इंक्रीज करते हैं। ओके, एक तरीका तो है प्लेट्स का एरिया बढ़ा दो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को कम कर दो, और तीसरा तरीका है हमारे पास में कि डाइलेक्ट्रिक यूज लो। ओके, अब हम जब डाइलेक्ट्रिक की भी कैटेगरी में आते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। सो दीज डाइलेक्ट्रिक्स आर द फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड वन इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो वॉट इज नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक? ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो, यानी उन मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड होते हैं। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें डाइपोल्स के केसेस में भी बताया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं जो एक तरह से डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, पोल्स बन जाते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स के सेपरेशन के कारण, एंड दैट इज कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल्स। बट हम अभी नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कॉइंसाइड एट अ सेम पॉइंट, सो देयर नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल विल बी जीरो। हर एक एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज और चार्जेस के बीच का सेपरेशन, जिसको हम वहां पर 2aq से लिखते थे फर्स्ट चैप्टर में जब हमने डाइपोल को डिस्कस किया था। ओके, तो 2aq की जगह हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं d, अगर सेपरेशन है तो q इंटू d क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसलिए इनका नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो आता है फॉर अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब। सिमिलरली जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जाएंगे तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स हैं जिन पर अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो उन मॉलिक्यूल्स में एक इंटरनल डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के जो सेंटर्स है दे आर सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और हर पोलर मॉलिक्यूल इट्सेल्फ बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
तो वहां पर क्या है, बहुत सारे डायपोल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, या पोलर डायलैक्ट्रिक जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स है उसकी बात करूं, तो देर आर सो मेनी डायपोल्स एंड ऑल आर रेंडमली ओरिएंटेटेड एट द रूम टेम्परेचर इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनके रैंडम ओरिएंटेशन के कारण किसी की डायरेक्शन इधर किसी की डायरेक्शन इधर, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी यू ऑलरेडी नो एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो इफ वी टेक द डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर द नेट डायपोल मोमेंट देन इट कम्स आउट टू बी जीरो। इट मीन्स द ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द डायपोल्स देयर नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं डायग्राम बना के भी शो करता हूं, एक बार इसको इंट्रोडक्शन को लिख लेते हैं। डायलैक्ट्रिक हेडिंग ऐसे लगा लेना, डायलैक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन, एंड इट्स पोलराइजेशन। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी डेफिनेशंस हम यहां करने वाले हैं। ओके, so many definition we will do in this particular topic. So first, dielectric are insulators whose electrons can displaced by very small distance, okay, of order micrometer, we can say, okay, whose electrons can displace through a very small distance or by a very small distance in presence of external field, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डायलैक्ट्रिक। सिंपली अगर पूछा जाए तो डायलैक्ट्रिक इज जस्ट एन इंसुलेटर्स, ओके, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिरेमिक माइका क्ले पेपर एटसेट्रा। ओके, सो देर आर सो मेनी टाइप ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। इन डायलैक्ट्रिक्स के नेम पर ही कैपेसिटर का नेम दिया जाता है, जैसे सिरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। तो नेम ऑफ द कैपेसिटर इज ऑल्सो गिवन ऑन द नेम ऑफ इट्स डायलैक्ट्रिक। ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज non-polar and the second one is polar dielectric. Okay, non-polar dielectric, it consists of non-polar molecules कौन से होंगे, जिनके सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स होते हैं। ओके, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स। ओके, आई होप मैंने इस पॉइंट को डायलैक्ट्रिक के केस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ओके, कि व्हाट आर द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इट कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड सेंटर्स ऑफ okay are displaced।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर मॉलिक्यूल एक डायपोल नहीं है, यानी उसका डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, एंड हियर डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। ओके, तो ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, और यहां क्या लिख सकते हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट फॉर ईच मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। ओके, सो दिस इज द पोलर एंड नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है वो मैंने यहां पर पॉइंट आउट की है। ओके, बट इन दोनों ही केसेस में सपोज करो कि अगर ये मेरे पास में डायलैक्ट्रिक है, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड पॉइंट ले सकते हैं इसको कि व्हेन ई इक्वल्स टू जीरो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, देन द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस होल डायलैक्ट्रिक इज ऑल्सो जीरो। पी नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पी नेट क्या है, नेट डायपोल मोमेंट पूरे डायलैक्ट्रिक का, ओके, फॉर द होल डायलैक्ट्रिक, क्योंकि देखो इंडिविजुअल के पास भी मोमेंट नहीं है, डायपोल मोमेंट नहीं है, तो ओवरऑल कहां से आएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो एक रूम के अंदर 100 पर्सन है और 100 पर्सन के पास में किसी के पास में मनी नहीं है, एक एक सिंगल कॉइन भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में टोटल जब सम करोगे तब भी वो जीरो ही रहेगा। ओके, तो ये सिचुएशन है कि इस केस में ई जीरो हो तो पी की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि इंडिविजुअल के पास ही यहां पर डायपोल मोमेंट जीरो है। ओके, दैट इज द रीजन। और इस केस में भी व्हेन पी इक्वल्स टू सॉरी ई इक्वल्स टू जीरो, देन अगेन फॉर दिस केस आल्सो पी नेट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पी नेट जीरो होगा। क्यों होगा, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन। ओके, वो रैंडम ओरिएंटेशन कैसी होगी, देखो प्लस माइनस से अगर मैं डायपोल को बनाता हूं तो इनके जो ओरिएंटेशंस हैं वो कुछ इस तरह से रहेगी। कैसे भी आप प्लस माइनस साइंस लगा सकते हो इसमें, etc. So I am showing all the dipoles are randomly oriented. Okay, and इसका reason लिख लो यहां पर, due to random orientation of each dipole, या random orientation of all dipoles कर लो। हर dipole की random orientation होने के कारण यहां पर इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, और यहां पर इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ही जीरो है। ठीक है, इसका रीजन लिख सकते हैं, ड्यू टू पी इंडिविजुअल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सिलेबस होता है वो भी 20% 11th 12th के सिलेबस से ही कंसिस्ट होता है। ग्रेजुएशन में अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको 15-20% यहीं से 11th 12th से ही बेसिस मिलता है। ये सब चीजें आपकी रिपीट होती है वहां ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी अगर इसको क्लियरली समझ लेंगे, और वहां टीचर्स एक्सप्लेन नहीं करते, वहां यही बोला जाता है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इन क्लास 12th और इन क्लास 11th, सो नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग। So, there is important thing कि ये चीज़ अगर आप अभी समझ जाओगे तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। Okay? So, this is the polar and non-polar dielectric, types of dielectrics है ये। So, हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि चाहे पोलर डायलैक्ट्रिक है चाहे नॉन पोलर है, दोनों पर ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाए तो वहां नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
कि अगर हम इन दोनों डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दें तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक द ईच द इलेक्ट्रॉन. अब देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया, ठीक है, सपोज करो कि मैं यहां पर एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि सपोज वी आर हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन और आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को या एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस्ड किया, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज? क्या ये यहीं पर रहेगा? नहीं, इट विल नॉट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल मूव. इन विच डायरेक्शन इट विल मूव? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे? देखो इसका चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ये, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है तो हो सकता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जिसके कारण ये ओरिजिनेट हुआ हो, या हो सकता है यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जिसके कारण ये टर्मिनेट या जिसकी तरफ ये टर्मिनेट हो रहा है, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, या दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं. लाइक इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और उसको हमने पहले डिराइव भी कर रखा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है. ओके, सो इन दिस सिचुएशन दिस नेगेटिव चार्ज, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. प्रोटॉन रखते तो वो उसी डायरेक्शन में जाता, इलेक्ट्रॉन रखा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. मैथमेटिकली भी इसको समझ सकते हो, अगर मैं फोर्स की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो वो इलेक्ट्रॉन पर सॉरी, तो वो क्या होगा, माइनस ई टाइम्स ऑफ ई, और ये नेगेटिव साइन यहां ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ई एंड एफ आर अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट है, एंड वो हम यहाँ पर शो भी कर रहे हैं. दिस इज द फोर्स डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है. सो the same thing happened here ki whenever we placed this non polar dielectric inside the electric field then all the electrons kya honge they will be shifted opposite to the electric field. electric field suppose is direction mein agar electric field hai right side mein to left side mein wo electrons shift honge microscopically displacement hoga unka. yahi dielectric ki property hai कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. इन दैट सिचुएशन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर ईच मॉलिक्यूल इज जनरेटेड, यानी वहां पर इंड्यूस्ड होता है उसको, जनरेटेड को मैं यहां वर्ड कहूंगा इंड्यूस्ड होना. तो ईच डाइपोल सॉरी ईच मॉलिक्यूल विल बिहेव लाइक अ डाइपोल ड्यू टू इट्स इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. ओके, उसके पास में एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आएगा, तो जितने भी यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव उधर शिफ्ट होगा अगर इधर पॉजिटिव प्लेट है, और पॉजिटिव इधर रह जाएगा, पॉजिटिव मूव नहीं होता, न्यूक्लियस अपने प्लेस पर ही रहेगा, एटम अपने मॉलिक्यूल अपने प्लेस पर ही रहेगा, केवल उसके सेंटर जो नेगेटिव चार्ज का है वो डिस्प्लेस्ड हो गया. ओके, समझना इसको प्रैक्टिकली. देखो फिजिक्स में मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बताया है कि फिजिक्स जब पढ़ते हो तो इसको इमेजिन करो कि अपने सामने ऐसा कुछ हो रहा है और उसका एक वीडियो अपने आईज के सामने एक इमेजिनेशन लेवल पर प्ले करो. उससे क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग टाइम तक या हमेशा के लिए याद रहेगा. ओके, तो जब मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, जब मैं उसके एक अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो ये सारे पिक्चर है जो मैं जस्ट आपको एक स्टोरी की फॉर्म में सुना रहा हूँ. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स को कई जगह पे कई लेवल पे इसी तरह से समझा जाता है. ओके, सो नाउ इन दिस सिचुएशन सारे डाइपोल्स में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुए तो एक डाइपोल मोमेंट हर मॉलिक्यूल का इंड्यूस्ड हो गया. और वो इंड्यूस्ड कैसे होगा उसको नेक्स्ट डायग्राम से समझते हैं. मैं रफ कर रहा हूं यहां तक, एक बार नोट करो, नोट डाउन अप टू दिस वन. Third point of this difference we are taking
when E is not equals to zero, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर डिस्कसिंग, ओके? सो सपोज कर लेते हैं कि दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जहां हमने इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस्ड किया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द डाइलेक्ट्रिक्स एंड फॉर द कैपेसिटर. हम यहाँ डाइलेक्ट्रिक को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मोस्टली कैपेसिटर में यूज लिया जाता है, तो उसको समझना जरूरी है. तो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, ओके, एंड दिस वन इज द नेगेटिव प्लेट. अब यहां पर क्या होगा, डाइपोल, हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह वर्क करेगा, इंड्यूस्ड होगा, तो ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल बी इन लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉजिटिव चार्जेस विल बी इन राइट हैंड साइड. नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लाइक दिस, ओके. ऑल द डाइपोल विल हैव द सेम डायरेक्शन. द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द डाइपोल आर हैविंग द सेम डायरेक्शन इन दिस वन. नेगेटिव टू पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके. तो माइनस से प्लस सारे डायपोल की डायरेक्शन इधर रहेगी, क्लियर. नाउ व्हाट हैपन इन केस ऑफ दिस नॉन पोलर, सॉरी पोलर डायलैक्ट्रिक. तो पोलर डायलैक्ट्रिक में तो ऑलरेडी डायपोल्स हैं, तो उसके साथ में क्या होगा. अब तुमने एक टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देते हैं, देन व्हाट हैपन, द डायपोल ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही ज्यादा उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क से वो रोटेट होगा एंड कम्स टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. सो दिस इज ओरिएंटेशन, उसकी चेंज हो जाएगी. तो इन केस ऑफ दिस पोलर डायलैक्ट्रिक्स, द इंडिविजुअल डायपोल्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव है, और डायपोल की भी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव. जब ई और पी पैरेलल होते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होती है, और हर डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा जीरो में आने की कोशिश करता है. ये मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. तो इन केस ऑफ दिस पोलर डायलैक्ट्रिक, ठीक है, उसी डिफरेंस को ले रहे हैं हम. इन केस ऑफ पोलर डायलैक्ट्रिक, पी नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ओके. एंड हियर इन केस ऑफ दिस पोलर डायलैक्ट्रिक, व्हेन ई नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन हियर ऑल्सो the P net will not equals to zero. Clear? दोनों ही केस में एक ही है, उसको मैं समराइज करूंगा आगे चल के. Now what happened here? एक स्टोरी है, इसको स्टोरी की तरह याद रखो, क्या हो रहा है इनके साथ में. This is the positively charged plate and this one is negatively charged plate. तो what happened? The dipoles orient themselves. अब जरूरी नहीं है जब ये ओरिएंट होंगे तो सारे इसी डायरेक्शन में रहेंगे. डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है. सम विल स्टे रिमेंस दे विल ट्राई टू ओरिएंट बट ड्यू टू लेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने के कारण, देखो इतने ज्यादा नहीं, चलो कम कर देता हूं इनको. मैक्सिमम देखो यहां पर किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर. इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने थोड़ी कम ली है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतने ही ज्यादा डायपोल्स क्या होंगे, ओरिएंट होंगे. तो ओरिएंट हो जाते हैं यहां पर, और ओरिएंट होते हैं फील्ड की डायरेक्शन में. इसीलिए इन सभी के कारण नेट डायपोल मोमेंट क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया. मोर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर विल बी द नेट डायपोल मोमेंट, बिकॉज मोर विल बी द ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो इन दिस केस व्हाट हैपन, डायपोल्स
orient themselves in field direction. कौन सा field? Electric field. और यहां क्या हो रहा है? Due to लिख सकते हैं इसको, due to dipole moment induced in each molecule due to for the force on negative force on electrons लिख लो कि इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है इसलिए वो क्या करते हैं एक फील्ड की डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो जाता है डायपोल मोमेंट. और यहां पर ओरिएंट, यहां वर्ड यूज आता है ओरिएंटेशन और यहां वर्ड आता है यूज इंड्यूस्ड होना. बट रिमेंबर इन बोथ द केसेस कॉमन है. देखो क्या चीज कॉमन है, दोनों का टाइप के डायलैक्ट्रिक में जब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पी नेट जीरो है, यानी चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में पी नेट जीरो होता है. ओके और अगर हम बात करें जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तब भी पी नेट क्या होगा, नॉन जीरो होगा इन बोथ द केसेस. तो आइदर इट इज पोलर और नॉन पोलर इट डजंट मैटर, मुझे सिर्फ उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करना था. इन बोथ द केसेस वॉट एवर द डायलैक्ट्रिक वेन एवर द डायलैक्ट्रिक इज इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो एंड वेन एवर द डायलैक्ट्रिक फील्ड इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड देन पी नेट विल बी नॉन जीरो. ओके सो दिस इज द मेन पॉइंट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना था. अब यहां तक एक बार नोट करो फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं इसमें. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम एंड टेक अ 20 सेकेंड ब्रेक. लुक इन एनी डायरेक्शन 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड, लीव द स्क्रीन. There are so many terms related to this polarization and maybe we continue the same topic for tomorrow as well. Okay, so net electric field inside the dielectric and it is denoted by vector E. Okay. Net electric field inside the dielectric. So now what happened? Suppose this one is the dielectric these are the plates. हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर कैपेसिटर की दो प्लेट्स ले रहे हैं. ओके जरूरी नहीं है कैपेसिटर हो, दो प्लेट्स हमने ली या दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले सकते हो. बट वी आर स्टडिंग द डाइलेक्ट्रिक इन केस ऑफ कैपेसिटर सो दैट वी आर यूजिंग द पैरेलल प्लेट्स हैविंग द अपोजिट पोलरिटी ऑफ चार्जेस. ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे. ओके क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ये आपको ऑलरेडी पता है. ओके अब इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो मैं उन्हीं डायपोल्स की बात कर रहा हूं जो फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. ओके जो फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और उनका नंबर जो होगा वो फ्री चार्जेस के कंपैरिजन में कम होगा.
either it is positive or negative, sorry, polar or non-polar. Suppose if it is polar, then electric field is strong such that all the dipoles are oriented in the field direction. Now, what happened? In this situation, we can neglect the effect of these two plus and minus charges. इन दोनों का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो यहाँ पर नेगलेक्ट किया जा सकता है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं. ओके, सिमिलरली दीज टू चार्जेस आर आल्सो न्यूट्रलाइज, दीज टू चार्जेस आर आल्सो न्यूट्रलाइज ईच अदर. रिमेन कौन से रहते, देखो जो इस सरफेस पर होंगे, डाइलेक्ट्रिक की जो सरफेस पर है वो चार्जेस किसी से न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, इनका आपस में न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये वाले सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव प्लेट एंड दीज पॉजिटिव आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव प्लेट. सो ऑल द ये जितने भी, अगर मैं यहाँ पर एक डैश लाइन बनाऊ लाइक दिस, सो ऑल दीज चार्जेस, इनका जो इफेक्ट आता है डायलैक्ट्रिक के केस में वो नेग्लिजिबल होता है. तो अगर मैं इनके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दू, नेग्लेक्टेड द इफेक्ट ऑफ दीज चार्जेस, तो उस सिचुएशन में मेरे पास क्या रह जाएगा, ओनली द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ दिस डायलैक्ट्रिक. ठीक है, ओनली द चार्जेस मीन्स इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, देन द नेगेटिव चार्ज विल कम इन दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन दिस साइड. नाउ अगेन रिमेंबर, दिस इज लार्ज इन नंबर बिकॉज इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्जेस. ये जो प्लेट्स पर होते हैं ये फ्री चार्जेस होते हैं, मेटल की है वो, और ये इंसुलेटर है, ये मेटल है दोनों और ये इंसुलेटर है. तो यहाँ पर जो चार्ज का नंबर होगा वो कम होगा और यहाँ पर जो चार्जेस का नंबर होगा वो ज्यादा होगा. ओके, तो इस सिचुएशन में इन चार्जेस को हम बोलते हैं फ्री चार्जेस. ठीक है, फ्री चार्जेस जो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पर रहते हैं, एंड दीज चार्जेस आर कॉल्ड बाउंड चार्जेस या इनको पोलराइजेशन चार्जेस भी बोला जा सकता है, बाउंड चार्जेस और पोलराइजेशन चार्जेस. नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन, यहीं से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है. पोलराइजेशन मीन्स whenever we placed a dielectric inside the electric field, external electric field, then it acquires a net dipole moment and this process or phenomena is called polarization of the dielectric. पहले क्या था, जैसे सपोज करो कि ये डायलैक्ट्रिक है, ठीक है, इस डायलैक्ट्रिक को पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, तब इस पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो था, यानी कि इसमें पोल्स नहीं थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं थे. लेकिन जैसे ही मैंने इसको, चार्जेस थे बट नेट इफेक्ट उसका जीरो था, ओके, मॉलिक्यूल का, बट जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से क्या होगा कि इस पर नेट डाइपोल मोमेंट आ गया. यानी इसमें डाइपोल मोमेंट कब आता है, जब चार्जेस वहां सेपरेटेड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तभी तो डाइपोल बनता है. तो डाइपोल बन गया और इसी डाइपोल बनने को, यानी पोल्स बनने को पोलराइजेशन कहा गया है. ओके, पोलराइजेशन पोल्स से बना है. ओके, और पोल्स का मतलब वहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेपरेट हो जाना, और यही डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव सेंटर सेपरेट हो जाते हैं, जिसमें हो जाते हैं उन इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं, और जिसमें ये नहीं होता वो इंसुलेटर इंसुलेटर ही कहलाते हैं, उसको हम डाइलेक्ट्रिक नहीं कहते. ओके, सो इन दिस सिचुएशन दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन जो मैं आगे नोट करवाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहलाते हैं पोलराइजेशन चार्जेस और बाउंड चार्जेस. ये डायलैक्ट्रिक है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने एटम से बाउंडेड है. क्यों कहते हैं बाउंड चार्जेस, क्योंकि डायलैक्ट्रिक में या इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, वो अपने एटम से बाउंडेड होता है, केवल वो डिस्प्लेस्ड हो गया,
है ना, हर इलेक्ट्रॉन जो है ना, या सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल डिस्प्लेस्ड हुआ है, थोड़ा सा सरक गया इधर, लेकिन है वो अपने एटम से जुड़ा हुआ। लेकिन इन प्लेट्स पर जो चार्जेस है ना, वो चार्जेस तो फ्री हैं, इधर उधर कहीं भी घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो अपने एटम से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, या इन चार्जेस को मैं फ्री चार्जेस कह रहा हूँ, और इन चार्जेस को मैं बाउंड चार्जेस या पोलराइजेशन चार्जेस कह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अगर मैं इन चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, फ्री चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लिखते हैं EO से। EO is electric field due to the free charges, और वो कहां से कहां तक होगा, इस नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तक। और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्जेस की बात करता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है EP से। पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, डाइपोल के पोलराइजेशन के कारण, इसको लिख रहे हैं EP, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है इसकी डायरेक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक, देयर आर टू फील्ड्स, द फर्स्ट वन इज ई नॉट एंड द सेकंड वन इज ईपी। सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव और द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी ई नॉट माइनस ईपी, ये होगा ई नॉट माइनस ईपी, और वो किस डायरेक्शन में होगा, इन डायरेक्शन ऑफ E नॉट। व्हाई, बिकॉज E नॉट इज ग्रेटर देन EP। ओके, सो इन दिस सिचुएशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP, एंड इट विल बी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ E नॉट, बिकॉज E नॉट इज ग्रेटर देन EP। क्लियर, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार हम पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद में इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो नोट डाउन दीज डायग्राम्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड due to free charges of metal plates या conducting plates कह सकते हो is E naught, and the electric field due to bound charges of dielectric, ठीक है, metal को conducting plates भी लिख सकते हैं, तो ये dielectric के कारण है, dielectric is EP, okay, it is called EP। डायरेक्शन, देयर डायरेक्शन शोन इन फिगर, इनकी जो डायरेक्शन है वो हमने फिगर में शो की है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक विल बी E equals to, इसको E से ही लिखा जाता है, okay, meeting will close at any instant, so इसको जल्दी से लिख लेते हैं, it is E naught minus EP, okay, E naught minus EP, and direction from this left to right, okay, direction is from left to right, note down this one। पोलराइजेशन की डेफिनेशन बता देता हूं एक लास्ट में, फिर कल करेंगे इसको कंटिन्यू। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द फिनोमेना ऑफ एक्वायरिंग
नेट डाइपोल मोमेंट बाय अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. कि डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा, नेट डाइपोल मोमेंट उस पर एक्वायर हो गया या नॉन जीरो हो गया, उस फिनोमेना को हम उस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कहते हैं. और पोलराइजेशन से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यहां एक और पॉइंट लिख लेना, ई नॉट इज ग्रेटर देन ई पी. ठीक है, ई नॉट इज ग्रेटर देन ई पी, और ई नॉट और ई पी अगर ये ग्रेटर है इससे, तो उस सिचुएशन में यहां पर नोट डाउन अप टू दिस वन, इफ ई नॉट इज ग्रेटर देन ई पी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर ई नॉट ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट. ओके, सो दिस वन इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक. अब यहां अगर मैं ई नॉट और ई पी की वैल्यूज लिखता हूं, तो वो वैल्यूज क्या होगी इन टर्म्स ऑफ देयर चार्ज डेंसिटीज. तो इस ई नॉट को लिखा जाता है, ई नॉट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, एंड दिस ई पी इज सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम, अगर दो चार्जेस हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां सिग्मा और सिग्मा पी क्या है, सिग्मा इज क्यू अपॉन ए, ये फ्री चार्ज की डेंसिटी कहलाएगी. फ्री चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज फ्री चार्ज डेंसिटी, एंड दिस सिग्मा पी इज बाउंड चार्ज डेंसिटी. ओके, और इसको हम इस ई पी को कैसे लिख सकते हैं, इट इज क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. एरिया कॉमन रहेगा इन बोथ द सिचुएशन, द एरिया विल बी कॉमन. जो डायलेक्ट्रिक है और जो प्लेट्स हैं उनका एरिया हम ऑलमोस्ट हमेशा सेम लेते हैं, तो एरिया इज सेम. सो क्यू इज फ्री चार्जेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज, अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज, एंड क्यू पी इज अमाउंट ऑफ बाउंड चार्ज. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ई नॉट एंड ई पी इन टर्म्स ऑफ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट डेफिनेशंस रिगार्डिंग द डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन टुमारो. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. यहां पर पोलराइजेशन वैक्टर, पोलराइजेशन वैक्टर, ओके, इट इज द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ यस्टरडेज लेक्चर. पोलराइजेशन वैक्टर, अ डायलेक्ट्रिक इज हाउ मच पोलराइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड पोलराइजेशन वैक्टर. इट इज अ वैक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इसको पोलराइजेशन वैक्टर कहा जाता है. ओके, इट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अस द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम पोलराइजेशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर. इसको हम कैपिटल पी वेक्टर से डिनोट करेंगे. ओके, वी विल डिनोट दिस पोलराइजेशन वेक्टर बाय कैपिटल पी वेक्टर.
स्मॉल पी, इसीलिए मैंने अभी तक जहां कहीं भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर की बात की है वहां हमने हमेशा स्मॉल पी यूज लिया है वर्ड। एक डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट हो, एक सिंगल डायोड डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो एटसेट्रा, तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है इसको हम कैपिटल पी की टर्म में लिखते हैं। और इसको हम सिंपली अगर कहें तो दिस पोलराइजेशन वेक्टर पी इज व्हाट, इट इज पी नेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस वी इज वॉल्यूम। द डायरेक्शन ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट डाइपोल मोमेंट, जिस डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में ये पोलराइजेशन वेक्टर रहता है। ओके, पोलराइजेशन किसका हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक का हो रहा है। तो जितना ज्यादा यूनिट वॉल्यूम में पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और नेट डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसी वॉल्यूम के लिए उसका पोलराइजेशन वेक्टर भी उतना ही लार्ज होगा। तो पोलराइजेशन वेक्टर मेजर्स हाउ मच द डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल पी। ओके, इट मेजर्स the amount of polarization of an dielectric when placed in electric field। जब हम dielectric को electric field में placed करते हैं तो कितना पोलराइजेशन हुआ उसका। ओके, पोलराइजेशन की डेफिनेशन मैं कल बता चुका हूं, तो उसे ये मेजर करता है, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो, नेट डाइपोल मोमेंट भी किसका है, डाइलेक्ट्रिक का, और वॉल्यूम भी किसका है, उस डाइलेक्ट्रिक का। ओके, तो इसको पी नेट अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं हम इस तरह से। ओके, सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन, पी वेक्टर इज स्मॉल पी वेक्टर की नेट वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बाउंड चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इससे रिलेटेड हम कुछ और पॉइंट्स बात करेंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड विल गिव्स यू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्जेस, या डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर जो चार्जेस बने उस चार्जेस की चार्ज डेंसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोलराइजेशन वेक्टर। हाउ, देखो कैसे इसको हम समझ सकते हैं। सपोज दिस इज द प्लेट्स which producing a uniform electric field, ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स हम इसको ले सकते हैं, and this is the dielectric which we are placing inside this uniform electric field, so this is the dielectric okay, now in this dielectric what happens, the negative charge of the dielectric will come in this side and positive charge will be in this side। कल हमने ऐसा डायग्राम बना के इसको डिस्कस किया था ऑलरेडी। ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन सपोज दैट इसका जो ये टोटल चार्ज है ये क्यू पी है, माइनस क्यू पी, एंड दिस टोटल चार्ज इज प्लस क्यू पी। ओके, देन हाउ वी कैन राइट दिस पी नेट, अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या डाइलेक्ट्रिक की जो ये विड्थ है ये अगर स्मॉल डी हो। ओके, इसको हम नोट कर लेते हैं, द एक नोट है यहां पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर is equals to
the surface charge density of bound charges को या charges of dielectric को, dielectric के अंदर जो charges है उसकी charge density के equal है, okay? तो इसको हम sigma p के equal कहेंगे, that is p का जो magnitude होगा, vector p का magnitude, capital P vector की बात कर रहा हूं मैं यहां, इसकी it is equals to sigma p is bound charge की density को represent कर रहा है, सरफेस पर ही है वो चार्जेस, अंदर वाले चार्जेस मैंने बताया था वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर द चार्जेस व्हिच आर क्रिएटेड और जनरेटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ओनली द सरफेस चार्ज आर कंसीडर्ड, ओके। सो इन दिस सिचुएशन दिस क्यूपी कैन बी रिटन एज सिग्मा पी इक्वल्स टू क्यूपी अपॉन एरिया, इज सपोज प्लेट का और डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया है वो कॉमन है, and suppose this is A, okay, three dimensional है ये, उसका हमने केवल cross sectional diagram यहाँ पर trace किया है 2D में, but ये क्या है, एक block है, एक पूरा का पूरा dielectric जो है, तो उसका जो area है ये वाला, उस area को हम capital A ले रहे हैं, separation को हम D ले रहे हैं, okay? So हमें यहाँ इसको proof करना है, इसको हम proof कैसे कर सकते हैं, if QP is charge या QP is bound charge and D is separation between plus QP and minus QP. देखो इसको हम एक सिंगल डाइपोल कंसिडर करेंगे, यहां का टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है माइनस QP, यहां का टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस QP, तो मैं इसको एक डायपोल मान सकता हूं ना, देखो इस तरह से कि एक ये माइनस क्यूपी चार्ज, ये प्लस क्यूपी चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन डी, ठीक है, ये माइनस क्यूपी, पी स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन, ओके, पोलराइजेशन चार्जेस भी कह सकते हैं, ये फ्री चार्जेस नहीं है, इसलिए पी मैं सबस्क्रिप्ट में लगा रहा हूं, ये जो चार्ज होगा इसको क्यू से लिखते हैं और इसको क्यू पी से लिखते हैं, तो व्हाट विल बी डायपोल मोमेंट ऑफ दिस वन, क्यूपी इनटू डी, ये लिखेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, देन पी नेट को हम यहां क्या लिख सकते हैं, दिस पी नेट विल बी इक्वल्स टू, इसका भी मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूं, इट विल बी इक्वल्स टू क्यूपी इनटू डी, ये आएगा, और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू डिस्टेंस, इस डाइलेक्ट्रिक का जो ए वॉल्यूम है उसी को वॉल्यूम ले रहे हैं हम, तो इट विल बी एरिया इनटू डिस्टेंस, नाउ पी का जो बेसिक फॉर्मूला है पी नेट अपॉन वॉल्यूम वो लगाओ, देखो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो डी से डी कैंसिल होगा एंड क्यू पी अपॉन ए विल बी व्हाट, इट इज सिग्मा पी, ओके, तो इन दोनों को डिवाइड करें, मैं ऊपर लिखता हूं इसको, नोट डाउन अप टू दिस वन, या यही लिख देते हैं चलो, hence this P which is equals to या P net upon volume is equals to QP upon A, ठीक है, P net upon volume equals to QP upon A, ये भी यहां वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही क्या है, कैपिटल P का मैग्नीट्यूड है, कैपिटल पी का ये मैग्नीट्यूड है एंड विच इज इक्वल्स टू सिग्मा पी, ओके, पी वेक्टर इज का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सिग्मा पी, चार्ज डेंसिटी को हम पोलराइजेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल करते हैं, तो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, इसको हमें आगे यूज भी लेना है जहां हम रिलेशन फाइंड करेंगे, ओके, ससेप्टिबिलिटी में और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में, तो नोट डाउन अप टू दिस वन, P net, एक तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना, P net upon volume, और ये ध्यान रखना इसका जो मैग्नीट्यूड है वो QP upon A या bound charge density को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पर यूनिट एरिया होती है,
Okay, one more thing regarding the same polarization vector, and that thing is this polarization vector P is directly proportional to the net electric field inside the dielectric. देखो पोलराइजेशन किसका हुआ, डायलैक्ट्रिक का हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा कंसिडर होगा जो डायलैक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायलैक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है जो ई नॉट और ईओ और ईपी का सब्ट्रैक्शन है, कल जैसे मैंने बात की थी। तो अगर मैं एक सिंगल डायलैक्ट्रिक की बात करूं, तो ये अगर डायलैक्ट्रिक है जिस पर हमने ये प्लेट्स लगाई है और प्लेट से इसको पोलराइज किया है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है That electric field is E. ये electric field E होगा, and this E is what? It is E naught minus EP. E naught minus EP. लिखते हैं इसको. तो this E naught is due to the free charges, EP is due to the polarization charges or the bound charges. तो एक property और यहाँ लिखो. The यहीं से हम susceptibility को define करने वाले, इसी point से. Okay? The polarization vector. Polarization vector is directly proportional to net electric field inside the dielectric. Net electric field inside the dielectric. Okay? What does it mean? That is, this P vector is directly proportional to E vector. Where this E vector is what? It is E naught minus EP. होगा बिना polarization कितना ज्यादा होगा? Polarization बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके P net की value बढ़ रही है, और वो कब बढ़ेगी? जब इसके अंदर electric field ज्यादा से ज्यादा होगा. Okay? और electric field बढ़ेगा, इसका मतलब sigma P increase हो रहा है. तो सिग्मा पी और ई ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए यहाँ पर. क्लियर? ई को भी हम सिग्मा की टर्म्स में लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा इसी रिलेशन के साथ में. तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, ओके, ये कैपिटल पी है, ध्यान रखना है यहाँ पर. जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, देन देयर आर टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स व्हिच अपीयर हियर. Usually तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर एक ही कांस्टेंट लगाते हैं, बट हियर इन दिस एक्सप्रेशन वी यूज द प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट्स, एंड दीज कांस्टेंट्स आर एप्सिलॉन नॉट काई ई. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई. इस तरह से लिखते हैं, देखो इसको ऐसे जैसे इंटीग्रल का साइन बनाते थे हम, तो इंटीग्रल को थोड़ा सा इन्वर्टेड बनाना है और थोड़ा सा टिल्ट करना है, और एक लाइन हम यहाँ पर स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ करो, और यहाँ सबस्क्रिप्ट में हम ई लिख देते हैं. ई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है. हम आगे वाले चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की भी बात करेंगे. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफरेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफरेंट. ओके, सो हियर इट इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई. पढ़ते इसको क्या है, काई, ठीक है, के आई हम इसको बोल सकते हैं. तो काई ई से इसको हम रीड करेंगे एंड या प्रोनंशिएट करेंगे, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट काई ई इनटू ई. ओके, और ये काई ई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हियर? एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी. इसको हम पहले से जानते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड दिस काई ई इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, एस यू एस सी ई पी टी आई डी आई एल आई टी वाई. तो इट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, सो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय काई ई, और यहां से अगर मैं काई ई लिखता हूं, देन इट इज पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई. ओके, कहीं ना कहीं ये ससेप्टिबिलिटी ये एक डायमेंशन लेस होती है ना, इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी इट इज ओनली अ नंबर.
ओके एक केवल एक नंबर होता है लाइक रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी सॉरी लाइक रिलेटिव परमिटिविटी हमने बताया था, जिसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर भी कहा जाता है, वो भी एक नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। द सेम थिंग इज हियर, इट इज आल्सो डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। इट विल गिव्स यू ओनली अ नंबर। वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या मेजर करता है, वो ये बताता है कि किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में डायलेक्ट्रिक कितना पोलराइज्ड होगा, उस पोलराइजेशन को भी मेजर करेगी ये ससेप्टिबिलिटी। सपोज करो कि आपके पास में दो डायलेक्ट्रिक्स हैं, दोनों पे आपने इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, लेकिन उनकी ससेप्टिबिलिटीज अलग अलग है, तो जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा हुआ उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है, क्योंकि ये दोनों क्या है, देखो प्रोपोर्शनल है, और जिसकी ससेप्टिबिलिटी लो है उसका पोलराइजेशन कम होगा। तो ये पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेजर करता है फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं, इट मेजर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हर डाइलेक्ट्रिक को एक तो कांस्टेंट है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, वो तो है एप्सिलॉन आर, या जिसको कप्पा के से लिखते हैं। दूसरा एक और कांस्टेंट आता है जो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये भी मेजर करता है कितना वो पोलराइज्ड हुआ। ओके, एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। सो नोट डाउन दिस काई ही, इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, पोलराइजेशन वेक्टर की अगर आपको यूनिट या डायमेंशन की बात करें तो मैं वो भी बता देता हूं। देखो इधर साइड में पोलराइजेशन वेक्टर P क्या था, P नेट अपॉन वॉल्यूम, और P नेट को हम क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू डिस्टेंस। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थी ना अभी, जैसे मैंने बताया था, तो ये सिग्मा P इसको लिख रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और कूलम के लिए हम A1 T1 लिखते हैं, डायमेंशन अगर लिखनी हो, P के लिए डायमेंशन अगर लिखनी हो तो इट इज A1 T1 L-2। A1 T1 तो कूलम के लिए AT, और L-2 फॉर द मीटर स्क्वायर जो डिवाइड में। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसी की यूनिट और डायमेंशन P की यूनिट और डायमेंशन होगी। तो ये भी ध्यान रखना, एमसीक्यू में कहीं पे पूछा जा सकता है। ओके, सो रिमेंबर एंड नोट डाउन अप टू दिस वन। Now there are two definitions. Take 20 second break. Leave the screen, okay, for 20 second. Look 20 feet away in any direction. दो डेफिनेशंस है यहाँ पर, अगेन सेम पोलराइजेशन वेक्टर से रिलेटेड या डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन से रिलेटेड। द फर्स्ट डेफिनेशन इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वी नो व्हाट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट इन टर्म्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी हम बोलते हैं। और वो रिलेशन क्या था, देखो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन की टर्म में तो हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूं जो
डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड है और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फ्री चार्जेस के कारण जो प्रोड्यूस हुआ है, जो कि प्लेट्स पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज वॉट, दिस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बाउंड चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ई नॉट अपॉन ई से हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं। ये डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने ये भी कहा था, ये डेफिनेशन है, हम डिफाइन इस वे में कर रहे हैं कि दिस इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिमेंबर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेशन चेंज हो गए, यहाँ ई नॉट ऊपर है और ई नीचे है, और यहाँ एप्सिलॉन ऊपर था और एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में था। तो रिमेंबर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, एज इट इज इसको याद मत रखना, ऐसे याद रखना कि रिवर्स में हम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो दिस इज द इट इज द रेशियो ऑफ, डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्जेस एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। ओके, सो राइट डाउन दिस डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्जेस, ओके ब्रैकेट में लिख लेते हैं ई नॉट, एंड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। सो दिस इज द डेफिनेशन, दैट इज करके इस तरह से लिख लू, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू ई ओ अपॉन या ई नॉट अपॉन ई। आप डायरेक्शन भी लगा सकते हो, अगर यहाँ पे डायरेक्शन लगाओगे तो तुम्हें पता है ई नॉट और ई दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ओके, राइट साइड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो उनके जो आई कैप अगर मैं यूनिट वैक्टर भी लेता हूं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो विदाउट डायरेक्शन भी हम इसको लिख सकते हैं, वैसे भी इस एप्सिलॉन आर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर नंबर होता है, ये भी डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के यूनिट्स को कैंसिल कर देंगे। ओके, वोल्ट पर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट इज ऑल्सो अ नंबर, ये भी एक नंबर है जो हमें एप्सिलॉन आर से हम जिसको डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन ई नॉट अपॉन ई। अब अगर मैं यहाँ ई की वैल्यू लिखूं तो दिस एप्सिलॉन आर कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन ये ध्यान रखना, ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट इज ई नॉट माइनस ई पी। ओके, दैट इज ई नॉट माइनस ई पी। So note down this definition, और इससे इसको कंपेयर करना कि यहाँ पर एप्सिलॉन की टर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में डेफिनेशन में चेंज है। क्लियर? सिमिलरली द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अब ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, सपोज करो कि मेरे पास में ये डायलेक्ट्रिक है। ओके, दिस इज द डायलेक्ट्रिक, और मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया, चाहे ये पोलर है चाहे नॉन पोलर है। मैं क्या कर रहा हूं, अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्जेस के कारण प्रोड्यूस हुआ, फ्री चार्जेस के कारण, उस फील्ड को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, स्लाइटली हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दूर होते जाएंगे, है ना, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड मोर एंड मोर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी आती है जहां इलेक्ट्रॉन्स जो है या सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपने एटम से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है।
यानी वो डायलैक्ट्रिक फिर डायलैक्ट्रिक यानी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इंक्रीज किया, फिर समझना इसको क्या किया, मेरे पास में एक डायलैक्ट्रिक था, मैंने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाते रहे, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो बहुत ही हाई होगा, सफिशियंट हाई होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है उन एटम से जो बाउंडेड थे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज में जो थे उनको वो डिटैच कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कंडक्टर, यानी वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने लगता है और ये डायलैक्ट्रिक का ब्रेक डाउन कहलाता है। इट इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन ऑफ द डायलैक्ट्रिक। ब्रेक डाउन मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स डिटैच फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एटम्स एंड बिकम्स फ्री फॉर द डायलैक्ट्रिक, ओके, दैट इज कॉल्ड द डायलैक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां ये डायलैक्ट्रिक ब्रेक डाउन होता है उस वैल्यू को हम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं, क्योंकि उस वैल्यू तक या उस वैल्यू से जस्ट पहले तक ही वो डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज या इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को शो करेगा। उस फील्ड के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंसुलेटिंग नहीं रहेगी, वो डायलैक्ट्रिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, जो कि कैपेसिटर के लिए काम की नहीं है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमें इंसुलेटर ही चाहिए, कंडक्टर नहीं चाहिए, तो वो शॉर्ट हो गया, तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, इट विल नॉट स्टोर द चार्ज। तो दिस इज डेफिनेशन इज यूज टू डिफाइन दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन टॉलरेटेड बाय द डायलैक्ट्रिक, सो दैट इट बिहेव लाइक अ डायलैक्ट्रिक, कि वो डायलैक्ट्रिक की तरह ही बिहेव करे, तो कितना हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक दो पॉइंट इसके अंदर लिख लेते हैं। इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ही होती है, वोल्ट पर मीटर में डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखी जाती है। ओके, सो नोट डाउन, व्हेन वी इंक्रीज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डायलैक्ट्रिक, then a condition, then a state occurs when electrons get detached, electrons get detached from their atom, from their respective atoms. And it behave like and becomes free. इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं and becomes free. अब free हो गए तो automatic ही meaning हो गया कि behave like a conductor. Okay, becomes free. This is called breakdown of dielectric. Breakdown of dielectric. ओके, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर डायलैक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होता है या वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक कि एक डायलैक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक बना रहे यानी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को शो करता रहे उसे हम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद में मैं एक टॉपिक और कराऊंगा, रिलेशन डिराइव करूंगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। अगर ये मीटिंग लीव हो जाती है बाय डिफॉल्ट जैसे कल हो गई थी तो रीजॉइन करना विद द सेम लिंक। ओके, रीजॉइन विद द सेम लिंक। इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं आज, इसको हम लीव नहीं करेंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। सो ब्रेकडाउन ऑफ द डायलैक्ट्रिक, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड up to which the dielectric shows, up to which the dielectric shows insulating properties.
and do not break down. And do not break down is called dielectric strength. Is called dielectric strength. ठीक है, वायवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि कैपेसिटर कई जगह यूज आते हैं, प्रोजेक्ट में भी कई बच्चे कैपेसिटर लगाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जहां कैपेसिटर हम यूज लेते हैं, तो कैपेसिटर की जहां भी बात आती है वहां डाइलेक्ट्रिक का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक एक डेफिनेशन आपको नोन होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. इट्स ऐसा यूनिट is volt per meter. ठीक है, ऐसा यूनिट जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की है, that is volt per meter. Now next one, relation between epsilon r and chi e. एक रिलेशन हम करेंगे epsilon r और chi e के बीच में. ओके, सो नो डाउन अप टू दिस वन. It is a simple relation. We start from the equation E equals to E naught minus EP. Okay, we are starting from the equation E equals to E naught minus EP. EP की value रखते हैं यहाँ पर, E naught as it is. EP is what? It is sigma P upon epsilon naught. We know it is sigma P upon epsilon naught. Electric field को ऐसे ही लिखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ई को लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लिखते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ई पी को हम लिखते हैं इट इज सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द एक्सप्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ द चार्ज. ओके, सो दिस सिग्मा पी इज व्हाट? सिग्मा पी इज सिग्मा, इसके लिए हमने ये रिलेशन लिखा, सिग्मा पी इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज पी, पी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. तो सिंस सिग्मा पी इज इक्वल्स टू पी, पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? सिग्मा पी को. नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज ई, ई नॉट माइनस पी को क्या लिख सकते हैं? देखो एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिंस पी इज व्हाट? पी को अभी मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट काई इनटू ई होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. तो ये फॉर्मूले जो मैं यहां लिख रहा हूं साइड में वो यहां यूज लिए मैंने. सो हियर एप्सिलॉन नॉट विल कैंसिल आउट एंड द नेक्स्ट वन, बस दो तीन लाइन और है, लिमिट आ गई है टाइम की. This E will be equals to what? It is E naught minus chi E E upon, sorry, only chi E into E. Now we divide this whole equation by E. इस पूरी equation को E से divide कर दो. तो क्या होगा? देखो right hand side में E upon this one, E upon E, E naught upon E, and this is also chi E E upon E. So this E E will cancel out, this E E will cancel out, and we get 1 equals to, this one is what? E naught upon E. Abhi maine bataya tha, it is epsilon R. Hota hai? E naught upon E is epsilon R. So this is what? It is epsilon R minus chi E. To yahan se main kya likh sakta hu? Epsilon R is 1 plus chi E. So this is the relation between the epsilon r and chi e. जो यहाँ से start किया हमने और कुछ जो relations हमने पहले जानते थे हम उन relations को use लेते हुए इस relation को derive किया. Okay? अब देखो epsilon r 1 से greater होता है. Epsilon r is greater than 1. तो chi e जो होगा ना it is always positive. Chi e is always positive. Always positive for dielectric. डायलेक्ट्रिक्स के लिए इस काई ई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये वैल्यू एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन वन.
epsilon r is greater than 1 for all the medium except the free space जिसको हम वैक्यूम कहते हैं और द एयर एयर और इन दोनों के लिए तो ये 1 होता है, रिमेनिंग सारे मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन एंड द डायलेक्ट्रिक. तो इस दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से वापस रिवाइज करना, जितना भी मैंने लिखवाया है बोर्ड पे वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 2. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग. एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द व्हाट्सएप.